हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कह के या मेरा नाम कह के टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करूंगा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, माला की धानी बोल के एक छोटा सा गांव है और वहां पे जाके रुकना है आज। तो अभी जस्ट आके पहुंचा हूं यहां पे और दैट्स माय लिटिल टाइनी होम। छोटा सा कुटिया है मेरा और जिसपे रात गुजारनी है आज। कुछ यहाँ पे ये मेरा बेड है और पूरा ट्रेडिशनल मिट्टी का घर। छोटा सा वॉशरूम वगैरह उधर है और यहाँ पे कुछ और भी कमरे बने हुए हैं और दूसरे गेस्ट के लिए। और उस तरफ पूरा पहाड़ है और आते टाइम मैंने देखा कि बीच में पहाड़ को काट के ना रेलवे ट्रैक बनाया गया है। उस तरफ दूर एक छोटा सा, ये तो एक मतलब किसी का घर है और यहाँ पे छोटा बनाया हुआ है, वो दूर थोड़ा गांव है छोटा सा, जो कि कल सुबह जाएंगे हम लोग। और जो बंदा यहाँ पे इस चीज़ को बनाया है वो उसी गांव का है, वो थोड़ा दूर आके यहाँ पे बसा हुआ है। और एक थोड़ा सा मतलब टूरिस्ट प्लेस टाइप, नॉट टूरिस्ट प्लेस, एक ट्रेडिशनल विलेज का एक्सपीरियंस, एक थीम वाला वो बनाया हुआ है और बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। क्यों, मज़ा आया कि नहीं? मुझे तो भाई बहुत बेहतरीन लग रहा है, मतलब गांव वाला फीलिंग्स आ रहा है। और यहाँ पे आपको रहने के लिए अभी तो मेरे को सिर्फ 350 रुपीस पड़ रहा है पर नाइट। और यहाँ पे आने के लिए, ये कुछ जैसलमेर शहर से कुछ 15 से 17 किलोमीटर दूरी पे है और मैप पे लोकेशन तो दिया गया है, बट एक जगह पे मेन रोड से ना पूरे पहाड़ के तरफ डाइवर्सन लेना होता है और वो रोड थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा आपको, क्योंकि मैप तो सही दिखा रहा है बट आपको ऐसा लगेगा कि आगे जाके कुछ है नहीं, सिर्फ पहाड़ी है। बट पहाड़ियों में कुछ 2 किलोमीटर आने के बाद ये जगह आपको मिलेगा, तो इसलिए मैं यहाँ के जो ओनर है उनसे बात कर लिया था और वो आके मेरे को पिकअप कर लिए। इनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो डायरेक्टली उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो अगर आप आ रहे हैं, नेटवर्क आ जाता है मोबाइल में, अगर आप आ रहे हैं तो आपके जितने भी सारे गैजेट हैं पहले से ही चार्ज करके ले आए। और कुछ खाने पीने का सामान लाना है तो आपको जैसलमेर के शहर से ही लाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद 15 किलोमीटर तक और कहीं पे कोई दुकान वगैरह है नहीं। तो फिलहाल इतना ही, आगे कुछ रात को कैंप फायर वगैरह होने का प्लान है और डिनर यहाँ के जो ओनर है वो लोग सर्व करेंगे हम लोग को होम कुक फूड। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट इवेंट में, तब तक क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। बिस्किट लोगे? लो। क्या नाम है तेरा? डिस्का। तो गाइज अभी कुछ 8:20 हो रखा है और बोनफायर स्टार्ट हो चुका है और सबको यहाँ पे प्राइवेट अलग अलग बोनफायर दे दी जाती है, कोई कॉमन बोनफायर नहीं है। तो अकेले तो आया था तो अकेले बैठा हूँ यहाँ पे और इस नज़ारे और ठंडी और गर्मी की मज़ा ले रहा हूँ। इसके बाद शायद डिनर करने जाएंगे फिर सोना। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक दो बैंगन डाल दिए थे इस पर, ताकि जला के इसको ना मस्त सरसों का तेल और गार्लिक डाल के खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। जीत सर ने ये बनाया है और स्पेशली मुझे सिखाने के लिए। इसको कहते हैं बैंगन का भरता। बैंगन का भरता, ये जो मोटा वाला बैंगन लाया था ना उससे ही अच्छा बनता है। मैं भी लाऊंगा और सीखूंगा। बहुत सिंपल है। आप खाना किस में बनाते हैं? चूल्हे में बनाते हैं ना? चूल्हे में डाल दो तो वो भी हो जाएगा। तो गाइज बैंगन भरता भी रेडी हो रहा है और ये ओम भाई भी मुझे हेल्प कर रहे हैं
लहसुन वगैरह छीलने के लिए मैं तो छील सकता हूं। तो वो बोले कि मेरे को भी सीखना है, तो मैं उनको बैठ के यहाँ पे सिखा रहा हूँ। किसी और को ही बोलता हूँ, बस इतना प्याज काफी है, और नहीं चाहिए। आप उड़ीसा में मोस्टली क्या खाते हो? और प्याज नहीं चाहिए, और साथ में आप लोग खा लेगा तो खाइए, इसमें हो गया प्याज। हम लोग का मेन फूड है राइस एंड चावल, सॉरी राइस एंड दाल, उसके साथ सब्जी ऐसे बैगन भिंडी विंडी सब्जी, बाकी सब। रोटी तो बहुत कम खाते, रोटी रात को खाते हैं। तो गाइस खाना तैयार है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे दाल है, चावल है, और कैबेज बंद गोभी है, और बैगन में तो जो मैंने बनाया था, और भाई ने रोटी भी दिया था, बट मेरे को रोटी खाने का मन नहीं है, तो मैंने मना किया क्योंकि मैं थोड़ा चावल ज़्यादा खाता हूँ मैं। तो बस शुरू करते हैं फिर, क्योंकि उड़िया है तो ज़्यादा खाएंगे चावल। हाँ, हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही चावल खाते हैं। दाल इसके ऊपर रोटी बहुत, दाल भी पूरा देसी घी का बना हुआ है, मजा आ रहा है। अच्छा बनाए गाइस। तो गाइस अभी जस्ट खाना खा के आया हूँ, बहुत सादगी सा खाना था, वेज एंड देसी घी का बना हुआ। और खाना खाते टाइम ओम भाई से थोड़ा बहुत बात भी हो रहा था, वो अपने लाइफ वगैरह के बारे में थोड़ा बोल रहे थे कि कैसे उनका जो कोरोना टाइम पे लास्ट 2 साल से इनकम इतना हो नहीं रहा है एंड ऑल। तो मैं भी अपना थोड़ा जो भी है बताया उनको, तो अच्छा लगता है ऐसे, मतलब किसी से भी आप मिले, आप बात किए, और कोई मतलब गिले शिकवे है नहीं, और लोग सुनते हैं, लोग समझते हैं। तो बस अभी थोड़ा और बोनफायर के पास बैठा हूँ, उसके बाद शायद सोएंगे थोड़ी देर में। तो गाइस अभी मैं सोने जा रहा हूँ, रात के बज गए 11:30, और मिलते हैं फिर कल सुबह कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट। हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी जस्ट सो के उठा हूँ, बहुत लेट हो गया उठने में, क्योंकि इतना शांत था और कोई शोर शराबा था नहीं गाड़ी वगैरह का, तो भाई मस्त से सोया हूँ मैं। अभी फ्रेशन अप होंगे, थोड़ा चाय नाश्ता लेंगे, फिर जाएंगे आसपास, एक छोटा सा गांव है वो घूमने के लिए। मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। प्योर अदरक वाली चाय है। ए, उसके आंख में दहल चला गया। अच्छा, तो गाइस ये एक छोटा सा कुआं टाइप, कुंड टाइप बना रखा है, और ट्रैक्टर में पानी आता है और इसमें भर के जाता है, और ये लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। चलो आ जाओ। तो गाइस चाय और नाश्ता के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं, छोटा सा गांव है पास में, वहाँ थोड़ा घूमने के लिए। और ये मेरे को एक छोटा सा बच्चा भानु लेके जा रहा है अपने गांव। तो यहाँ पे तो करंट है नहीं, तो मोबाइल वगैरह भी थोड़ा वहाँ पे चार्ज कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद मेरे को जाना है बीकानेर, जो कि 6 घंटे का बस राइड होगा। तो मोबाइल वगैरह तो चाहिए होगा, ज़रूरी है, क्या करें, आदत सी पड़ चुकी है।
कहाँ पे जाना? चार्जिंग कहाँ पे करना है? चलो मेरे पास ना इसका तार नहीं है, आपके पास होगा? ये वाला पिन का? हाँ ठीक, ये लगा लीजिए। तार में भूल गया लाना। लाइट है? लाइट पास पावर बैंक है। हाँ लाइट भी है बट खत्म हो गया उसके तार। क्या चीज खाना में अभी खा के आया वहाँ पे पोहा? हाँ जी खाता हूँ, अभी पेट में जगह नहीं है। आप क्या खा रहे हैं वैसे? चपाती? और मेरा नाम जीत है। तो गाइस एक छोटा सा मंदिर है ये। नमस्ते खम्मा गणी। ओडिशा? हाँ जी। कुछ बड़ा काम चल रहा है लग रहा है। चलिए आप काम कर ले। गांव के मुखिया है? अच्छा किसी चीज पे फैसला चल रहा है? हाँ ओके। जमीन जायदाद को लेके? हाँ वो पता चल रहा था मेरे को बात सुन के तो। हाँ बढ़िया भाई, आप कैसे हैं? ये गांव कितने साल पुराना गांव है? गांव ऑलमोस्ट 150 साल के पास आस पास। अच्छा आप लोग यहीं से 150 साल से रह रहे हैं? क्या नाम है? नमस्ते। हाय थैंक यू सो मच। चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं। नमस्ते खम्मा गणी। आ जा भानु चलते हैं। चलते हैं। बाय बाय। तो गाइस गांव तो घूम लिया, बहुत लोगों से बात किया, यहाँ पे कुछ पंचायती भी चल रही तो मुखिया भी थे, तो बस यही था। अभी थोड़ा नहा धो के फ्रेश होके निकलना है यहाँ से, क्योंकि 2 बजे की बस है मेरा बीकानेर के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो भी एक्सपीरियंस था। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को और वीडियो को, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो और आपको अपडेट मिलता रहे। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट बीकानेर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।